आपकी ताकत समाज है और समाज की ताकत आप लोग है। तो आप लोग हर प्रकार से समाज का सहयोग करें और हमारे लायक और समाज की कमेटी लायक जब भी अवगत करवाना हम सब लोगों के साथ में है। तन मन और धन से हमेशा जय परिवार और पूरी कमेटी आपके साथ में रहेगी। आप सभी लोगों को राणा सुना आप सब लोगों को ढेर सारी अंतिम बढ़िया संघर्ष करो। जय सेता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय सेता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय सेता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अंतिम जिंदाबाद जिंदाबाद। अंतिम भैया जिंदाबाद साथियों। हमारे लोगों को विधानसभा में जरूर भेज देना, आग विधानसभा में लगा देंगे। जय जोहार, जय आदिवासी, सेवा सेवा, जय गोंडवाना और गोंडवाना की साथ रानी दुर्गावती जो हमारे बीच में नहीं रही, आप सब लोगों को रानी दुर्गावती बनना है। सेवा 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 जय। बहुत बहुत धन्यवाद भैया अंतिम जी, प्रदेश अध्यक्ष जयस मध्य प्रदेश। साथियों, मैं अंतिम भाई के लिए जो है जयस की तरफ से चंद लाइनें बोल रहा हूं। जमीन से जुड़कर आसमां की बात करते हैं कि जमीन से जुड़कर आसमां की बात करते हैं, ख्वाब नहीं हकीकत से मुलाकात करते हैं। ख्वाब नहीं हकीकत से मुलाकात करते हैं। तूफान से डरने वाले बुजदिल है वो लोग कि तूफान से डरने वाले बुजदिल है वो लोग। अरे जय शेरों का कारवा है जो सुने तान कर सबसे आगे। लड़ाई हक अधिकार की बात करते हैं, लड़ाई अधिकार हक की बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आपने समाज के बीच में इतनी सार्थक बातें रखी और आप लोग से अनुरोध है कि आप थोड़ी देर के दो मिनट के कहीं मत जाइए। आप लोग अपने भी लोग सभी लोगों से अनुरोध है कि अभी 5 मिनट रह जाइए, अभी कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ है। आप लोग सभी लोगों से अनुरोध है कि वापस पंडाल में बैठ जाएं। देखिए साथियों, हम लोग को पता है कि 700 किलोमीटर दूर से हमारे बीच में अतिथि आए हैं और आप लोग जो है इस प्रकार अतिथि को काले छोड़ने जा रहे हैं। हमें अतिथि का सम्मान करना है, अतिथि का मान करना है, हमें अतिथि के शब्दों का अपने परिवार में अपने समाज में सही तरीके से निर्वाण करना है, क्योंकि हम लोग संगठित तभी हो पाएंगे। अभी भाई ने बोला कि रानी दुर्गावती गोंडवाना की वह बहिरंगा नहीं थी, वह भी रंग नहीं थी जिसने जो है विदेशियों के छक्के छुड़ा दिए, विदेशियों को जो है अपने शासन में घुसने नहीं दिया। हमें आज हमारे निमार और मालवा के उस शेर को भी याद करना है जिसको हल्दी घाटी के युद्ध में बड़े बड़े सूरमाओं को धूल चटा दिया, राणा पूजा भी जो राणा प्रताप का सेनापति। साथियों, हम लोग अगर संगठित रहे तो निश्चित ही हम लोग जो है इस कारवा को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर हम संगठित नहीं रहे और इसी तरह बिखरते रहे तो आने वाले समय में हमारा वजूद मिट जाएगा। साथियों, सिर्फ 2 मिनट आप मुझे हम लोगों को दीजिए। एक आदि वक्ता के रूप में जो हमारे बीच में फौजी साहब आए हैं वो भी आपके साथ 2 मिनट में वो अपने पास आपके बीच में रखना चाहते हैं और अंतिम दादा के लिए कहना चाहते हैं क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में कुछ लोग कहीं ना कहीं जयस के नाम से तोड़ फाड़ने का काम कर रहे हैं और उनके लिए मैं सबसे कहना चाहता हूं कि मैं बहुत से हार कर सर झुकाए खड़ा था
कि मैं वापस हार कर सर झुकाए खड़ा था और सामने वाले लोग खुद को